आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप डिजिटल इंडिया पोर्टल पर अपनी आईडी कैसे बना सकते हैं। यदि आप पैन कार्ड बनाते हैं तो आपको डिजिटल इंडिया पोर्टल पर अपनी आईडी जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि इस पोर्टल पर आपको पैन कार्ड की सबसे फास्ट सर्विस दी जाती है। आप इस पोर्टल के द्वारा अपना पैन कार्ड अपनी ईमेल आईडी पर 3 दिन में प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पोर्टल पर आईडी बनाने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसके मेन्यू आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखा रहा है यदि ये पोर्टल बिल्कुल फ्री है। यदि इस पोर्टल पर कोई भी आपके पास पैसे की डिमांड की जाती है तो आप सकते हैं, ये सपोर्ट के लिए नंबर दिए हुए हैं, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ईमेल आईडी भी है। फिर आप और नीचे आएंगे तो आप सकते हैं, यहाँ पर आपको पोर्टल की सर्विस दिखा रहा है, आप यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं। पैन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, GST, UTI, डिजिटल सिग्नेचर दे सकते हैं, मोबाइल एंड DTH रिचार्ज। तो इस पोर्टल पर आईडी बनाने के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है फ्रेंचाइज रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, कि आपके पास स्कैनर वाला प्रिंटर है, कि आपके पास इंटरनेट है, कि आपके पास एक दुकान है। यदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो ही आप यह रजिस्ट्रेशन करें, अन्यथा रजिस्ट्रेशन आपके लिए व्यर्थ है। तो यहाँ पर आपको हाँ करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आगे ले आएगा, आप फिर से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है। देख सकते हैं यहाँ पर कॉलम आ रहा है, पहला एंटर योर नेम, यहाँ पर आपको अपना नेम फिल करना है। आप अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे, इसके अलावा मोबाइल नंबर वाले कॉलम में आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। फिर आपको अपना पूरा एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद जो भी आपकी सिटी होगी वो आप यहाँ फिल करेंगे। फिर आप जो भी आपका पिन कोड होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है। पिन कोड फिल करने के बाद देख सकते हैं यहाँ रहा है स्टेट, तो यहाँ से आपको जो भी स्टेट होगी वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। देख सकते हैं यहाँ पर आपकी सारी स्टेट आएंगी। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है रिटेलर शॉप नेम, आपकी जो भी शॉप का नेम होगा वो आप यहाँ फिल करेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है करंट बिजनेस। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपनी बिजनेस दिखानी है, आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। और इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है पैन कार्ड नंबर, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर होगा वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। पैन कार्ड नंबर फिल करने के बाद देख सकते हैं नीचे वाले कॉलम में आ रहा है एंटर योर आधार नंबर, तो फ्रेंड्स जो भी आपका आधार कार्ड नंबर होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आप क्लिक कर देंगे सबमिट पर, और आप देख सकते हैं नीचे आ रहा है नीड असिस्टेंट विद दिस फॉर्म कॉल। यदि आपको कोई भी इसमें दिक्कत आती है रजिस्ट्रेशन करने में तो आप इन नंबर पर कॉल करके भी हेल्प ले सकते हैं। तो आप जो भी आपकी डिटेल होगी आप सही तरीके से यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे सबमिट पर। जब आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो फिर से आपको आगे ले जाएगा, आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है डिजिटल इंडिया पोर्टल में आपका स्वागत है, आपकी आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो गया है। तो यहाँ पर आपकी जो भी आईडी होगी वो सो जाएगी, जो भी आपका पासवर्ड होगा वो भी आपका यहाँ पर सो जाएगा। आवेदन आपसे निवेदन किया जाता है कि काम शुरू करने से पहले नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, करके अपनी ट्रेनिंग किट अवश्य डाउनलोड कर लें, तब उसे एक बार पढ़कर ही काम शुरू करें। तो देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा ट्रेनिंग किट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स ये जो भी आपका कंप्यूटर होगा उसमें डाउनलोड हो जाएगी, ये आपके मोबाइल में काम नहीं करती है। फ्रेंड्स ये किट आप डाउनलोड कर लेंगे और एक बार पढ़ लेंगे, उसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आपको किस तरीके से कौन सा भी जो भी आप सर्विस लेना चाहते हैं आपको उस पर कैसे काम करना है। आप देखते हैं यहाँ पे आ रहा लॉगिन, आप यहाँ से लॉगिन नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पर आ रहा ट्रेनिंग मैनुअल, आप यहाँ से भी फ्रेंड इसकी जानकारी ले सकते हैं। दे सकते हैं यहाँ पर वीडियो अपलोड हैं, आपको कोई भी सर्विस किस तरीके से यूज करनी है यहाँ पर दिखाएगा, आप कुछ तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो भी सर्विस होगी सबकी यहाँ पर वीडियो अपलोड है। और इसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से भी क्लिक करके दे सकते हैं। जिसका भी फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा यहाँ पर सारे फॉर्म होंगे, 18 वर्ष से कम उम्र के लिए पैन कार्ड के लिए सैंपल फॉर्म। तो ये पोर्टल बहुत ही बढ़िया पोर्टल है और बहुत बढ़िया तरीके से इस पर कार्य किया जाता है और आपको सर्विस सही दी जाती है। और आपको काम करने में किसी भी सर्विस का लाभ लेने में इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको जानकारी भी इसमें इसी पोर्टल से प्राप्त हो जाएगी। इससे मतलब आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कम भी जानकारी है, तब भी आप यहाँ से आईडी बना करके अपना आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। इस पोर्टल के द्वारा आपको जानकारी मिलती जाएगी।
फ्रेंड्स ये थी आज की जानकारी। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी की वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें।